स्टार्ट कर दो सर अब तो। चलो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। आपकी जो प्रॉब्लम रही होगी तो एक बार और जिसको प्रॉब्लम रहेगी वो व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे पास, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मैं कभी शीट शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ, तो ध्यान से देखिएगा। ये देख पा रहे होंगे अभी सभी? हाँ जी सर। जी थोड़ा देख नहीं रहा सर जी। और क्लियर तो दिख रहा है? क्या प्रॉब्लम आ रही? जूम सा करो सर जी, सा कम दिख रहा है सर, इसको जूम कर दो। ठीक है सर जी। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन अभी जूम तो करूंगा लेकिन दिक्कत हो जाएगी, फिर ऊपर का पोर्शन कहाँ दिखाई देगा आप लोगों को? अभी क्लियर हुआ कुछ? जी सर ठीक है, बस ऑब्जेक्टिव ठीक है सर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है जी सर, ध्यान दो अभी। तो ऑब्जेक्टिव है हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नंबर एक। नंबर दो हमारा बी रहेगा सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड वन इज हमारा डिफरेंस इन फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एंड देयर सिंबल। और चौथा पॉइंट है हमारा पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल ड्राइंग एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। मींस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन खींचते समय जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो आज हम इन सब पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा आता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या है। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ऑर्थो का अर्थ है सीधा, स्ट्रेट, ये मैं शो भी कर रहा हूँ आप देखते रहिएगा। ऑर्थो का अर्थ है सीधा मींस स्ट्रेट, या फिर राइट एंगल पर, कौन पर है एट राइट एंगल। ग्राफिक का अर्थ है लिखना या खींचना, कुल मिलाकर इसका अर्थ क्या हुआ, समकोण पर। क्लियर हुआ होगा ये? जी सर। मींस इसमें बताया गया है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मींस क्या है, अर्थ क्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरा सार ये, इसका सार हुआ कि समकोण पर खींचना। दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलेंगे, किसी भी त्री आयामी वस्तु यानी कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की कुल छह सतह सरफेस होती है, इन सतहों के सही वास्तविक माप में बनाए प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, समझे आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को क्या क्या बोलते हैं, क्यों ऐसा कहते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के किसी भी एक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट के अधिकतम दो आयाम टू डायमेंशन ही हमें पता चलता है, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, या तो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें तीन व्यू दिखते हैं। कौन कौन से तीन व्यू हम कौन कौन से बनाते हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो साइड व्यू हम देखेंगे तो साइड से भी हमें दो डायमेंशन पता लगती है, हमें क्या नाम आपके फ्रंट से भी दो डायमेंशन पता चलती है और हम टॉप से भी दो डायमेंशन देखते हैं। तो आप यहाँ देखोगे भी, मैंने एग्जाम्पल में दिखा रखा है, अगर व्यू से हमें क्या हमें लेंथ और हाइट प्राप्त हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन, यानी कि या उसको बोलेंगे हम फ्रंट व्यू बोलते हैं। अगर हमें वेट और लेंथ प्राप्त हो तो उसे प्लान या टॉप व्यू कहते हैं। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा?
आप अनम्यूट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, या मुझे चैट के थ्रू भी मुझे भेज सकते हैं, या तो नो। आपको क्लियर हो गया? मैं आगे चलता हूँ फिर। चले आगे जी सर। ठीक है, यहाँ ये क्लियर हुआ होगा आपको जी। सिस्टम ऑफ प्रेजेंट। तो अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम सिस्टम ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सिस्टम में हम जानेंगे कि ये सिस्टम का नाम दिया क्यों है। देखो, चार क्वाड्रेंट्स यानी कि चार पादों में वस्तु को रखने की स्थिति के अनुसार ही ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है वो सिस्टम का नाम दिया गया है। सिस्टम, और ये कुल कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार। चार प्रकार के सिस्टम है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, जिसको बोलेंगे प्रथम कोण, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, और फोर्थ हुआ हमारा फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। तो ये मैंने यहाँ पर जैसे मैथमेटिक्स के क्वाड्रेंट्स खींच के दिखाते हैं, मैंने यहाँ दिखाया गया है, मेरे द्वारा दिखाया गया है। ये हमने चार क्वाड्रेंट्स यानी कि एक्स और वाई में हमने अभी बांट लिया है इसको। फर्स्ट जो हमारा 90 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा ये वाला, हम एक्स वाई लाइन भी बोलेंगे, ये ऊपर जो रहेगा ये हमारा एचपी रहेगा, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लान बोलते हैं। मैंने डिफाइन भी कर रखा है आगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये जो लंबवत परपेंडिकुलर खींचा हुआ है इसको हम वर्टिकल प्लान बोलते हैं। यह यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा, नीचे रेड रेड उससे लिखा हुआ है मैंने। यहाँ देखो आप, हॉरिजॉन्टल प्लान एचपी ग्राउंड लाइन या एक्स वाई लाइन के समांतर जो पिक्चर प्लेन होगा उसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको क्लियर होगा। ऐसे ही वर्टिकल प्लेन है ग्राइंड लाउन या एक्स वाई लाइन के लंबवत प्लेन होगा उसे हम वर्टिकल प्लेन कहेंगे। ये मैंने आगे डिफाइन कर रखा है, नेक्स्ट पेज पर वो भी आएगा आप उसको। फिर उससे पहले मैं आपको यहाँ बता देता हूँ हमारा एक्सपी कौन सा होता है, फर्स्ट एंगल क्या होता है, फोर्थ एंगल क्या होता है। ये मैंने पिक्चर के थ्रू दिखाया हुआ है, ये ब्लैक कलर से खींचा हुआ है ये मैंने पिक्चर, एक आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये मैंने दिखाया है यहाँ पर आपको फर्स्ट एंगल क्वाड्रेंट में होता है, ये कहाँ होता है ये भी मैंने शो किया है, बीपी कहाँ होता है वर्टिकल प्लेन। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे आप, सेकेंड एंगल ये वाला हमारा बनेगा ये सेकेंड 90। ठीक है, और थर्ड एंगल क्वाड्रेंट में, और फोर्थ एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये आप सभी ने देख लिया होगा, इस पिक्चर के थ्रू क्लियर हुआ होगा आप सभी को कैसे कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में थर्ड एंगल, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ एंगल। मैंने इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या समझाने वाला हूँ आप देखिएगा कि जब भी कोई वस्तु फर्स्ट एंगल में होगी, जब भी कोई वस्तु फर्स्ट एंगल में होगी तो हमेशा क्या कंडीशन रहेगी, क्या स्थिति होगी, वो बनेगी, वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखो ध्यान से, मैंने ग्रीन कलर के पेन से लिखा हुआ है, वो वस्तु हमेशा एबव वीपी यानी कि एचपी से ऊपर होगी, अबव एचपी और इन फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि वीपी के सामने। जब भी किसी वस्तु की आपको बात आएगी कि वस्तु फर्स्ट एंगल में रखी है तो आप उसको बोलोगे, अगर कोई वस्तु फर्स्ट एंगल में रखी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु एचपी से ऊपर है और वीपी के सामने है। ठीक है, ये नोट करने वाला पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा पेंसिल से इसको। सुन पा रहे हो आप सभी ध्यान से? आती है बात सेकंड क्वाड्रेंट की, मींस सेकंड एंगल की। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु
सेकंड क्वाड्रेंट या सेकंड एंगल में होगी तो क्या कंडीशन रहेगी, तो कोई भी वस्तु एचपी यानी कि एचपी से ऊपर रहेगी और बिहाइंड बीपी यानी कि बीपी जो वर्टिकल प्लेन है ये इसके पीछे रहेगी। तो जब भी ये प्रश्न आपसे पूछा जाए, प्रश्न किस प्रकार से आएगा, प्रश्न ऐसे आएगा कि कोई भी वस्तु सेकंड एंगल में रखी हुई है, बताइए वो एचपी से ऊपर है यानी पीछे है, या बीपी के पीछे, बीपी से पीछे है या क्या है, तो वो इस टाइप का एक प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, तो वो जब पूछेगा तो वो चार ऑप्शन देगा इस टाइप के ही, तो आप उसमें बताओगे वो जो ऑप्शन आप चेक करोगे ऑप्शन जो रहेंगे तो वस्तु कहाँ होगी, अबव एचपी यानी कि एचपी जो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके ऊपर है और वीपी जो वर्टिकल प्लेन है आपका पीछे है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो जब भी कोई वस्तु सेकंड एंगल में होगी तो वो वीपी से पीछे होगी और एचपी से ऊपर होगी। ये मैंने लिखा हुआ है ग्रीन कलर के पेन से, आप देख पा रहे होंगे इसको। हाँ जी सर, सभी प्रशिक्षार्थी ध्यान से देखें इस चीज को। एचपी पर ना सर, सेकंड इसमें प्लेन एंगल में, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये मैंने जो बनाया भी है, इसको ड्रॉ भी करना है एक बार, आपने देखना है ऐसे। अब तीसरा बात करते हैं हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। जब भी कोई वस्तु थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगी तो वो क्या कंडीशन रहेगी उस समय, कि वो देखो ये एचपी है आपका, ये आपका वीपी है। कोई वस्तु थर्ड एंगल में होगी या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में होगी तो क्या बोलेंगे, वो बिलो एचपी यानी कि एचपी से नीचे और बिहाइंड वीपी मीन वीपी के पीछे। वस्तु कहाँ रखी रहेगी, वो वीपी के पीछे और एचपी से नीचे रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने नोट कर लेनी है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। और जब भी कोई वस्तु फोर्थ एंगल में होगी या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी, ठीक है, या उसका प्रोजेक्शन खींचेंगे तो वो क्या क्या स्थिति रहेगी, कैसे बनेगी, कि वो एचपी से क्या है नीचे और वीपी के क्या है सामने। यहाँ देखो आप, मैंने लिखा है ग्रीन पेन से बेलो एचपी और फ्रंट ऑफ वीपी यानी कि वीपी जो तुम्हारा है, वीपी बोले तो वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के सामने और एचपी के नीचे। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, मैं इसलिए वेट कर रहा था सभी की। सभी को क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी सर, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सभी को मैं क्लियर हो गया होगा। तो देखो, जब भी हम कोई प्रोजेक्शन खींचेंगे, जब भी कोई या तो फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में वो जो बात होगी, तो उस समय क्या करेंगे हम, जब भी कोई फर्स्ट एंगल या कोई वस्तु फर्स्ट एंगल में रखी है या कोई वस्तु सेकंड एंगल में रखी है, थर्ड में रखी है या फोर्थ में रखी है, तो हम क्या करेंगे, जब प्रोजेक्शन खींचेंगे तो हम जो एक्स वाई लाइन है, ये जो ग्राउंड लाइन है, ये मैंने शो किया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, जो एचपी को 90 डिग्री मूव करेंगे, 90 डिग्री यानी कि क्लॉक वाइज। देखो देखो, ये मैंने दिखाया हुआ है, ये देखो आप ध्यान से, तो क्या करेंगे 90 डिग्री घुमाएंगे जब भी हम खींचेंगे। ये देखो 90 डिग्री घुमाएंगे आप, चाहे वो फर्स्ट में हो, चाहे सेकंड में हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में हो एंगल में, तब हमें कहीं जाके क्लियर होगा कि फर्स्ट एंगल में क्यों खींचता है, फर्स्ट में स्थिति क्या रहती है, सेकंड में क्या रहती है, थर्ड में क्या रहती है, फोर्थ में क्या रहती है। अभी हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, तब आपको एक और ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट, ये सभी देख रहे होंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। हाँ जी, यहाँ पर बात करते हैं, अभी हमने सिस्टम में बात किया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है क्या एक्चुअल? तो अब यहाँ आप देखोगे इसके बारे में कि इस सिस्टम में वस्तु को प्रथम भाव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। ठीक है, ये समझे आप, इस सिस्टम में वस्तु को प्रथम पाद मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है। वस्तु एच
एसपी के ऊपर व बीटी के सामने होती है। ये मैंने अभी बताया आपको फर्स्ट में कैसे रहेगी, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। ये चीज मैंने यहाँ शो भी किया है आपको, ये देखो आप, तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, एचपी के ऊपर है और वीपी सामने है इधर। हाँ जी, ये मैंने एक ए फोर साइड को देखो आप, ये देखना भी है तो आपको ए फोर साइड का एक पेपर ले लीजिए आप और उसको बीच से मोड़ दीजिए और बीच की जो लाइन है उसको एक्स वाई लाइन मानेंगे आप। जी सर, जो ऊपर वाला बनेगा फिर उसको ऐसे बैंड करके रख दोगे आप सेम टाइप में। ये मैंने शो किया है आपको, ये वाला, ये ऐसे ऐसे करके, ये वाला जो रहेगा ये रहेगा हमारा वीपी, ठीक है, और ये रहेगा जो हॉरिजॉन्टल है वो रहेगा हमारा एचपी। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में रखिए कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु एचपी के ऊपर वह वीपी के सामने होती है। इस प्रकार वस्तु का जो फ्रंट व्यू वर्टिकल प्लेन पर तथा जिस जो टॉप व्यू बनेगा इसका, टॉप व्यू जब ऊपर से देखेंगे जो टॉप व्यू बनता है, सामने से देखते हैं तो फ्रंट व्यू बनता है, ठीक है, साइड से देखेंगे तो साइड व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पर एचपी पर बनते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन को क्लॉकवाइज समकोण पर घुमाया जाता है, तब इससे क्या होता है एचपी नीचे सीध में आ जाता है। जब हम इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, देखो मैंने यहाँ के थ्रू, ये देखो ब्लैक कलर से जो दिखाया गया मैंने एंगल 90 डिग्री मूव करेंगे, मूव करने से क्या होगा ये देखो, ये कंडीशन बनेगी। ये मैंने यहाँ दिखाई थी, यहाँ देखो ध्यान से, तो वीपी क्या हो गया ऊपर आ गया और एचपी क्या पहुंच गया एक्स वाई लाइन के नीचे पहुंच गया ना। तो जब भी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई वस्तु रखी होगी तो ये ध्यान देने योग्य बात है, ये आपका फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा जिसको हम एलिवेशन भी बोलते हैं और टॉप व्यू जिसको हम प्लान भी बोलते हैं वो हमारा नीचे बनेगा। तो ये नोट करने वाला पॉइंट है, आप इसको नोट कर लेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी सदैव वो क्या नाम फ्रंट व्यू सदैव ऊपर रहेगा और टॉप व्यू या प्लान सदैव नीचे रहेगा। हाँ यस, वीपी ऊपर एचपी नीचे, दैट मीन आपका फ्रंट व्यू ऊपर और टॉप व्यू नीचे बनेगा। ये मैंने यहाँ वर्टिकल प्लेन का आपको पहले भी वैसे डिफाइन कर दिया, एक बार यहाँ भी डेफिनेशन दे सकते हो कि वर्टिकल प्लेन है क्या, तो ग्राउंड लाइन या एक्स वाई लाइन के लंबवत या परपेंडिकुलर जो पिक्चर प्लेन होगा या होता है उसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ये आपको क्लियर हुआ होगा, वैसे तो मैंने इसको पहले डिफाइन कर दिया था जब मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको बताया था। जी सर, आपको ये आपको क्लियर रहा होगा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना है आप सभी ने। फिर बात आती है सेकंड एंगल प्रोजेक्शन, द्वितीय कोण प्रक्षेप। देखो इस प्रक्षेप को इस जब हम सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में किसी वस्तु को रखते हैं तो इसमें प्रोजेक्शन नहीं खींचे जाते हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो क्या प्रॉब्लम आती है मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि क्या प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसका यूज करते ही नहीं, हम क्या कहीं भी इसका यूज नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने इसको डिफाइन किया हुआ कि कोई पूछने लगे आपसे कि भाई सेकंड एंगल जो प्रोजेक्शन है आप फर्स्ट एंगल ही क्यों यूज करते हो, सेकंड एंगल क्यों नहीं यूज करते, आप फोर्थ एंगल क्यों नहीं यूज करते, वो भी मैंने आपको यहाँ बताया है। तो आप ध्यान से देखो इसको, मैंने बताया देखो सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन में वस्तु सेकेंड क्वाड्रेंट में बीपी के पीछे तथा एचपी के ऊपर रखी जाती है। जो मैंने पीछे आपको दिखाया था क्या हुआ, जब सेकेंड एंगल में हम रखते हैं तो वो वीपी के पीछे होती है और एचपी के ऊपर रखी जाती है, परंतु जब जब हम क्या करते हैं जो एचपी को समकोण पर क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्योंकि हर कंडीशन में क्या घुमाना, ये जो एचपी है उसको 90 डिग्री हमने घुमाना है, तो जब हम एचपी को ऐसे घुमाएंगे तो क्या हुआ वर्टिकल तो ये है ही और ये भी ऐसे घूमेगा तो दोनों क्या हो जाएंगे ओवरलैपिंग हो जाएगी, समझ रहे हो आप सभी, दूसरे के ऊपर हाँ एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ जाएंगे यानी कि ओवरलैप हो जाएगी, वहीं पर आपका फ्रंट होगा या वहीं पर वीपी बनेगा और वहीं पर एचपी और वहीं पर भी फ्रंट होगा वहीं पर आपका प्लान हो जाएगा, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी जिससे हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे। समझ पा रहे होंगे मैंने क्या बोला अभी इसको,
ऊपर से जाते किस प्रकार दोनों बीपी या एचपी पर बने व्यू भी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं जो कि पढ़े नहीं जा सकते। इस कारण सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन का प्रयोग इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में नहीं किया जाता है। ये भी नोट कर ले, कभी कभी इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऐसे इस टाइप से, कोई भी आपके नॉलेज के लिए भी या वैसे भी आपसे पूछ सकता है कि भाई सेकंड एंगल प्रोजेक्शन का यूज क्यों नहीं किया जाता है। आपको क्लियर हो रहा होगा ये चीजें? आंचल हाँ जी सर, सर समझ गए ना सेकंड एंगल प्रोजेक्शन का यूज क्यों नहीं किया जाता? जी सर। इससे मैं एक असाइनमेंट भी बनाने वाला हूँ, ये इससे रिगार्डिंग जितने भी प्रश्न रहेंगे मैं उसमें रखूंगा, आप उनके आंसर दोगे और उसको सबमिट करोगे फिर पोर्टल पर। हाँ जी सर, ठीक है जी, लागू होने वाला है। ठीक है ओके सर। तो आप इसीलिए ध्यान से सुनिएगा ये चीजें, बहुत ये फ्यूचर में आगे आपके जबरदस्त काम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे चलूँ फिर? हाँ जी सर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसको। अब बात आती है आपके थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो इस सिस्टम में वस्तु को थर्ड क्वाड्रेंट अर्थात थर्ड एंगल में रखा जाता है। तो इसमें रखा जाता है थर्ड एंगल में रखा जाता है। हमारा टाइम शॉर्ट होने वाला है भाई, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ जल्दी से थोड़ा। ठीक है, लेकिन 5:45 आप यहाँ पर आ जाइए टॉपिक पर अपने। ठीक है, एचपी के पीछे तथा एचपी के नीचे रहती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फॉरेन कंट्री में। हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज होता है, इंडिया में मैक्सिमम थर्ड फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन यूज होता है। तो हमें एक इंजीनियर को दोनों प्रोजेक्शन पता होना चाहिए, फर्स्ट एंगल भी और थर्ड एंगल भी। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप सभी, इसमें वस्तु वीपी के पीछे तथा एचपी के नीचे होती है, मैंने पहले भी दिखाया था आपको वहां भी और यहाँ भी देखिएगा। फ्रंट व्यू हमेशा वीपी पर तथा प्लान एचपी पर बनता है। एचपी को समकोण पर जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं और यह वर्टिकल प्लेन के ऊपर सीध में आ जाता है। इस प्रकार एचपी पर बना व्यू प्लान या टॉप व्यू और वीपी पर बना फ्रंट व्यू बिल्कुल ऊपर बनता है। सेम टाइप में यहाँ दिखा रखा है मैंने, देखो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है जी, लिखा हुआ मैंने 90 डिग्री पर, एचपी ऊपर है वीपी नीचे है। तो जब हम इसको मूव करेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो टॉप व्यू यानी कि ये टॉप व्यू कहाँ पहुंचेगा? ऊपर। तो एचपी क्या रहेगा? ऊपर, और फ्रंट व्यू रहेगा नीचे, नीचे एक्सवाई लाइन पर। ठीक है, तो जब हम सेकंड थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? टॉप व्यू हमेशा ऊपर बनेगा। टॉप व्यू को हम प्लान भी बोलते हैं, प्लान हमेशा या टॉप व्यू हमेशा ऊपर बनेगा, फ्रंट व्यू या एलिवेशन हमेशा नीचे बनेगा। That means, आप ये भी कह सकते हो कि ये जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसका जस्ट उल्टा है। कैसे? कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ बनता है? नीचे, और फ्रंट व्यू कहाँ बनता है? ऊपर। तो इसमें जस्ट उसका अपोजिट है। क्लियर हुआ आपको अभी को? जी सर। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू कहाँ रहेगा? ऊपर, और फ्रंट व्यू कहाँ रहेगा? नीचे, नीचे। हाँ, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब फोर्थ बात करते हैं, चतुर्थ कोण प्रक्षेप मींस फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, इस सिस्टम में वस्तु को चौथे पाद मींस फोर्थ क्वाड्रेंट में रखा जाता है। इसमें वस्तु वीपी के सामने होती है और एचपी के नीचे। मैंने पहले भी क्वाड्रेंट जो बनाया हुआ था उसमें दिखा दिया था मैंने कि कैसे मैं ये प्रश्न इस टाइप से पूछे जाते हैं कि कोई वस्तु फोर्थ क्वाड्रेंट में रखी है तो वो वीपी के ऊपर होगी, एचपी के नीचे होगी, एचपी के
ऊपर होगी या वीपी के सामने होगी या वीपी के पीछे होगी, तो क्या होगा? तो वो चार स्थिति आपको दे देगा, एक सही स्थिति देगा ऑप्शन में। तो वो सही स्थिति क्या होगी? जब भी कोई वस्तु फोर्थ क्वाड्रेंट में रखी होगी तो वो हमेशा एचपी के नीचे रहेगी और वीपी के सामने रहेगी। सामने वही चीज यहाँ दिखाई गई है, मैंने मेरे द्वारा लिखित में है ये कि मैंने लिखा भी है ग्रीन पेन से, वीपी के सामने वह एचपी के नीचे होती है। परंतु सर इस तरह सारे ऐसे ही तो पूछे हैं फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन में जी। हाँ, ये फोर्थ एंगल प्रश्न भी यूज में नहीं है, लेकिन सेम टाइप में क्वेश्चन तो आ सकता है, ठीक है? यूज में इसलिए नहीं है, इसका भी वही कारण है, सेम जैसे सेकंड एंगल में होता है आपका सेकंड एंगल प्रश्न में, इसीलिए दोनों ये तो सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन प्रचलन में नहीं है, क्योंकि वो दोनों में क्या हो जाता है, वीपी और एचपी ओवरलैप करता है, यानी कि जो फ्रंट व्यू है हमारा और टॉप व्यू है दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या चिपक जाते हैं, जिसके कारण ओवरलैपिंग हो जाते हैं, जिसके कारण हम उनके डायमेंशन को रीड नहीं कर सकते, तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। या कोई भी बंदा मेन ड्राइंग के लिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन को प्रयोग नहीं करता है, ठीक है? ये मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, जब एचपी को, क्योंकि हम जब भी हमें कोई प्रोजेक्शन खींचना है तो हम क्या करेंगे, एचपी को 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जब भी जब हम एचपी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो उस कंडीशन में क्लॉकवाइज घूमेगा तो यहाँ हो जाएगा ये, क्योंकि ये वीपी है, ये एचपी है, ये वाली कंडीशन है फोर्थ में, और इसको हमने जैसे ही यूं मूव किया ये हाथ जोड़ने वाली कंडीशन, मतलब मींस क्या हुआ, वीपी एचपी के साथ चिपक गया। मींस अगर हमारा ये फ्रंट बनना था, ये हमारा टॉप है, तो दोनों ओवरलैप हो गए। समझ गए आप, इसको क्लियर हुआ होगा आपको? घुमाया जाता है तो वीपी के साथ चिपक जाता है, इसमें फ्रंट व्यू तथा टॉप व्यू एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। अतः इस प्रक्षेप का प्रयोग भी या इस प्रोजेक्शन का प्रयोग भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ही इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में ऑर्थोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है। सेकंड एंगल प्रोजेक्शन और फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन का प्रयोग ओवरलैप करने के कारण प्रयोग में प्रचलन में नहीं है। ये आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? हाँ जी सर। प्रॉब्लम है? नो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ाए? हाँ जी सर। देखो अब बात आती है डिफरेंस, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप और तृतीय कोणीय प्रक्षेप में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, मेरे द्वारा दिखाने का प्रयत्न आपको किया गया है, क्या डिफरेंस है। मैं आपको एक बार पढ़ के भी बता देता हूँ, ये जो मैंने एक पेपर पे A4 साइज पर ये दिखाने का प्रयत्न किया है कि जिससे आप बेटर इसको समझ पाए, ठीक है? तो देखिएगा, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में यानी कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु प्रथम चतुर्थांश में स्थित रहती है, ये आप सभी को क्लियर है? हाँ जी सर। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि रहती है या नहीं रहती, रहती है। अब तृतीय कोणीय प्रक्षेप में किस में रहती है, तृतीय कोणीय प्रक्षेप में यानी कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होती है, ठीक है? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इस प्रकार का कि तृतीय कोणीय प्रक्षेप में वस्तु कौन से चतुर्थांश में स्थित होती है, तो आप बताएंगे थर्ड एंगल, हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित होती है। सेकेंड पॉइंट पर आ जाइए आप, अभी दृष्टा वस्तु को जिस ओर से देखता है उसके विपरीत दिशा में वस्तु का प्रक्षेप बनता है, यानी कि प्रोजेक्शन बनता है। और इसमें क्या होता है, दृष्टा वस्तु को जिस ओर से देखता है उसी दिशा में उसका प्रक्षेप या प्रोजेक्शन बनता है। तीसरे पॉइंट पर आ जाइए आप, वस्तु एचपी के ऊपर और वीपी के सामने स्थित होती है, कौन से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ये मैंने आपको बता दिया था अभी, क्लियर था आपको? थर्ड एंगल में वस्तु एचपी के नीचे और वीपी के
पीछे पीछे ठीक है। फोर्थ पॉइंट आप देखिएगा, वस्तु सदैव प्रक्षेप तथा दर्शक के बीच, इसमें दूसरा होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आप देखोगे प्रक्षेप सदैव वस्तु और दर्शक, दर्शक मीन्स दृष्टा जो भी है, के बीच रहता है। जी जी। पांचवा पॉइंट देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट, प्रथम कोणीय प्रक्षेप में एचपी व बीपी एक्सवाई लाइन जिसको रेफरेंस लाइन बोलने के क्रम से नीचे और ऊपर होते हैं, यानी कि एचपी ऊपर और बीपी नीचे, नीचे। और इसमें क्या होगा एचपी तथा बीपी एक्सवाई लाइन के क्रम से ऊपर हो नीचे, यानी कि एचपी ऊपर और बीपी नीचे होता है, ठीक है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है इसका, ठीक है। सिक्स पॉइंट देखिए, इसमें फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू बनता है, वही चीज बताई गई है, इसमें क्या होगा इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए आप, इसमें टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू बनेगा थर्ड एंगल में, ठीक है। अब सातवां पॉइंट देखिए आप, इसमें संदर्भ लाइन जो संदर्भ रेखा है जिसको रेफरेंस लाइन बोल रहे हैं, भूमि तल का कार्य करती है, वही भूमि तल का कार्य करेगी, लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होगा इसका कुछ दूरी पर एक भूमि तल अलग से बनाया जाता है, अलग से बनाया जाता है। और लास्ट पॉइंट है मेन है इसके सिंबल, प्रक्षेप का चिन्ह, देखो प्रथम कोणीय जो प्रक्षेप है उसका चिन्ह देख लीजिए आप ध्यान से। हाँ जी सर। और इसका जस्ट